किस नाम से आया, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू कॉलर पे फेसबुक सपोर्ट नाम से आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कॉल, इस प्रकार का नंबर दिखाई देता है हमारे स्क्रीन पर। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। दोस्तों अभी रात के 11 बजने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10:52 हो चुके हैं घड़ी में टाइम। और अभी मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से, कुछ फेसबुक के इश्यूज़ को लेकर। एक फेसबुक पेज को एक्चुअली रिकवर करना है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी आप देख रहे हैं 10:52 हो रहे हैं रात के, और ये रात हो चुका है। और यहाँ पर मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो ये चैटिंग मेरी हो रही है फेसबुक के टीम से। यहाँ पर मैंने कुछ बातें कर रखी हैं, और बात करते करते मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के लिए भी फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट की तरफ से कॉल के लिए कहा गया है कि वो अगले 5 मिनट में मुझे कॉल करके बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि लाइव कॉल कैसे आता है फेसबुक टीम का, और कैसे बातें करते हैं, क्या वो लोग पूछते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेगा। और आपका कोई फेसबुक का इशू है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। और खैर अभी फेसबुक का एक्चुअली जो कस्टमर केयर सपोर्ट है उन्होंने 5 मिनट बोला है, तो 5 मिनट लगभग लग जाते हैं फ़ोन कॉल आने में, तो हम वेट करते हैं। बाकी जो इशू है इस पेज का जिसके रिगार्डिंग मैं ये फ़ोन कॉल रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया है फ़ोन कॉल के लिए बात करने के लिए, वह है फेसबुक पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। मतलब किसी पेज पर अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ जाता है, वायलेशन लग जाता है, तो हम उस पेज को मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब आप लोगों को पता ही है कि जब पेज पर हमारे किसी दूसरे का कंटेंट होता है, तो जब वो रिपोर्ट करता है तो हमारे पेज पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ जाता है। तो वही मसला है एक पेज का, वही प्रॉब्लम है एक पेज पर। उसी को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से, यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देखेंगे ये मेरी चैटिंग हुई है, कुछ बातें हुई हैं। यहाँ पर मेरा नंबर है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ब्लर हिलाता रहूँगा ताकि आप लोगों को नंबर मेरा ना दिखे। मैंने अपना नंबर दिया हुआ कस्टमर केयर सपोर्ट को, और मेल आईडी भी दी हुई है। तो फेसबुक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यही करते हैं, और या फिर पेज को रिकवर करने के लिए हमें यही करना पड़ता है। फेसबुक की टीम से बात करनी पड़ती है, उनको पूरी तरह से क्लेरिफाई करना पड़ता है कि मैटर क्या है। उनको अगर चैट पे सब समझ में नहीं आता तो हमसे वो फ़ोन कॉल पर बात करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि फेसबुक पर क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे ये एक फेसबुक पेज है, और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया ऑन। चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दूँगा। अब आप देख सकते हैं ये एक फेसबुक पेज है, और यहाँ अगर मैं सी डैशबोर्ड पर चलता हूँ, नीचे स्क्रॉल करके मैं मोनेटाइजेशन में अगर जाता हूँ यहाँ पे, तो मोनेटाइजेशन में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लाइव एड्स है यहाँ पे प्रॉब्लम आया हुआ है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो क्राइटेरिया होता है ये लाइव एड्स का ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्राइटेरिया आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये बीच में आपको एक दिख रहा होगा ये क्रास, ठीक है, ये पूरा नहीं हुआ है। 7 क्राइटेरिया पूरा करने पड़ते हैं हमें, जिसमें पहला होता है कि आप एलिजिबल कंट्री में हो। जैसा कि आपको पता ही है हम इंडिया में तो एलिजिबल कंट्री है, और पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम एलिजिबल कंट्री में है, पहला वाला ग्रीन टिक है। इसके बाद यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी दूसरा ऑप्शन होता है, जो कि आपका ग्रीन टिक होना चाहिए। और तीसरा होता है आपके फॉलोअर 10,000 होने चाहिए। चौथा होता है कंटेंट क्राइटेरिया, जिसमें होता है कि 6 लाख मिनट आपके लाइव पूरे होने चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 लाख मिनट का जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन टिक आया हुआ है, और 6 लाख मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली मेरे फ़ोन का कैमरा इसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बाकी मैं आपको दिखा दूँ, आपको पता ही है। उसके अलावा 60,000 मिनट का हमको चाहिए होता है। अभी देखिए फ़ोन कॉल आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ही। बाकी मैं आपको ये देखिए किस नाम से आया, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू कॉलर पर फेसबुक सपोर्ट नाम से आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कॉल, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का नंबर दिखाई देता है हमारे स्क्रीन पर। मैं कॉल रिसीव करता हूँ। हेलो, हेलो, दिस इज अर्णा। थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मैटर सपोर्ट शो। आर आई टॉकिंग? यस मैम, ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर द ट्रेडिंग एंड क्वालिटी पर्पस। आई होप इट्स फाइन फॉर यू। यस इट्स ओके, कैन आई ऑल्सो रिकॉर्ड योर कॉल फॉर माई एडिशनल इन्फॉर्मेशन? श्योर, डू नॉट वरी, ओके, थैंक यू मैडम। Okay, so as we talk on the chat, you have shared some screenshots, correct? Yes. Of the page quality. Yes, ma'am. So according to the screenshot which I have received, there is no violation. It's just a notification to let you know that if you... It was happened by intellectual property that was shared on my page. Could you please repeat that again? It is just a notification that an intellectual property was shared on... Intellectual content was shared on that page. Yes, yes. It's just a notification to let you know that this is that you have
According to the screenshot, you can see clearly that it Facebook used no violation to show. And it also shows here that repeated violation of a policy or intellectual property could lead to your page being deleted. It's just a notification to let you know that you have to be more careful with your post and upload which you are doing on your Facebook. It's just a matter of time. It will be avoided completely. It's just a notification. You do not have to worry about that. Because okay. if you can check your Facebook is doing good and it's active, there is no restriction at all. And also, you have a great but madam madam let me madam as you can sure. as you told that it is just a notification then if she tries to monetize her page as she completed all the criteria like 6 lakhs minutes of live videos and 60,000 minutes of live videos after live and 10,000 criteria and 5 videos on that page all the criteria completed on this page but on monetization page eligibility criteria it shows that you follow Facebook content monetization it was a cross symbol that is not green tick so she is not able to monetize her page or apply for monetization okay, I hope you understand what I'm telling yeah I can definitely understand let me talk to my team so that I can check upon this can I put the call on hold for 3 to 5 minutes sure Thank you. तो अभी आप लोग देख रहे हैं अभी मुझे 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड पर रखा गया है ताकि ये लोग अपने सीनियर से जो इनकी इंटरनल टीम है उनसे ये लोग बात करेंगे फिर जो भी इन्फॉर्मेशन वो बताएंगे एक्चुअली मसला क्या है मतलब जो इशू है वो है ये है कि जो फेसबुक पेज है उसके सारे क्राइटेरिया जो होते हैं लाइव एड्स के वो पूरे हो चुके हैं मतलब 60,000 मिनट का जो वॉच टाइम होता है 6 लाख मिनट का जो वॉच टाइम होता है वो कंप्लीट हो गया है सारे क्राइटेरिया 10,000 फॉलोअर भी कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन लगा हुआ है वो 2 सप्ताह से लगा हुआ है मतलब 2 सप्ताह हो चुके हैं फिर भी वो हटा नहीं है तो कैसे वो हटेगा इसके लिए हमने ये कॉल रिसीव किया है और चैट सपोर्ट भी हमने इसलिए स्टार्ट किया था बाकी क्या पूरा मामला है मैं आपको पूरा ये कॉल एंड होने के बाद बताऊंगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर प्रॉब्लम आता है तो कैसे वो सॉल्व होता है और सारा आपके सामने रहेगा कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पेज पर आता है तो कैसे वो सॉल्व होगा अभी इन्होंने मेरे कॉल को होल्ड पर रखा हुआ है जैसे वापस आती हैं तो फिर बात करते हैं फिर आपको बताते हैं देखिए क्या होता है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर क्योंकि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगी उनके पेज पर इस प्रकार के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम होता है जब हम किसी दूसरे के कंटेंट को अपने पेज पर अपलोड कर देते हैं मतलब कॉपी पेज कंटेंट होता है या कहीं से सीरियल उठा लिया कोई का मूवी क्लिप उठा लिया उसके बाद जो वायलेशन लग जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उसी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने ये कॉल पूरा रिसीव किया मैंने कॉल रिक्वेस्ट किया है और चैटिंग किया है सब कुछ आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ बाकी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा अपने पेज पर मैं चलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ से सी डैशबोर्ड पर चलते हैं और सेटिंग में चलते हैं हम चल के आपको दिखाते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है तो क्या होता है यहाँ पर हम सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में जाने के बाद हम जाते हैं पेज सेटिंग में पेज सेटिंग में जाने के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे पेज रिकमेंडेशन में और यहाँ पर मिलता है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन अब यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप देखिएगा जब तक ये होल्ड पर है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक चीज़ दिखा आपको दिखेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये वायलेशन है बाकी इस पेज में जो क्राइटेरिया होता है पेज को मोनेटाइज करने का जो एलिजिबिलिटी होती है सारा कुछ पूरा कर लिया है पेज भी रिकमेंडेबल है ऐसा नहीं कि कोई इशू है पेज में कोई इशू दिख नहीं रहा सब कुछ नॉर्मल है फिर भी पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है यही मेन रीज़न है तो वेट कर रहे हैं कॉल का इनके देखते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा रिक्वेस्ट है मेरी और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके खैर आप लोगों को पूरा मामला समझ में आ ही रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि पेज की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है पेज पर कोई इशू नहीं दिख रहा है ऐसा कोई वायलेशन नहीं दिख रहा है रिसेंट वायलेशन कुछ नहीं दिख रहा है पॉलिसी इशू दिख रहा है मोनेटाइजेशन करने के टाइम पर जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉलिसी इशू दिख रहा है वही क्यों दिख रहा है वो हट क्यों नहीं रहा है क्योंकि 2 सप्ताह हो चुके हैं वो उन सब के लिए बात कर रहे हैं बाकी क्या सॉल्यूशन मिलता है अगर आपको ये जानना है तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा आगे क्या फ़ोन कॉल पर मेरी बात होती है अभी इंग्लिश में बात हो रही है अंग्रेजी में बहुत भाई ऐसे होंगे बहुत बहन ऐसी होंगी जो मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन आपको शायद इंग्लिश में समझ में ना आए तो मैं इसको हिंदी में भी आपको बताऊँगा आगे ये वीडियो अभी भी देखे ये कॉल अभी मेरा चल रहा है और ये नंबर आप देखेंगे नंबर यहाँ पर +1 321 249 उसके बाद 4 डिजिट और है मैं नंबर रिवील नहीं करूँगा हो सकता है कोई पॉलिसी हो फेसबुक का या यूट्यूब पर अगर वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो बाकी 4 डिजिट है शुरुआत के +1 321 249 है और लास्ट में 4 डिजिट और हैं टोटल है यहाँ पर 1 2 3 4 3 7 3 10
एक 11 अंकों के नंबर से कॉल आया हुआ है, कंट्री कोड है +1। वीडियो को कर लेते हैं पोर्ट्रेट, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं फोन को अपने। Okay, so as you stated that you are not able to monetize your video and followers, you are not getting the right amount of reach, correct? यस So related to that, you have to initiate a new chat because I closed this chat because you stated only for the world intellectual policy violation. As यस I can check regarding the screenshot, everything is fine. You do not have to worry about that. And ओके for the monetization purpose, you have to initiate a new chat so that we can give you a form, a self-appeal form, so that you can fill it and you सो are हाउ ready विल to go सॉरी to सॉरी that बट as well. हाउ कैन आई गेट दैट फॉर्म? We will send you the form once you initiate a chat with us ओके again, and we will send you one link, and then afterward we will tell you how to write down the विच form, लिंक यू and आस्क after मी? that, sorry. यू टोल्ड मी दैट यू विल आस्क अ लिंक। Yes, we will send you a link for a self-appeal, and then you have to fill the form. And after that, after the form will be submitted, our internal team will check onto this, and they will revert you within 24 to 48 hours on your email address or on your support inbox. So, could you please confirm your email address? It is anandkr@gmail.com. यस एक्चुअली दिस इज माई एक्चुअली आई Okay. हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इन आवर चैट सेशन दैट दिस इशू इज़ नॉट ऑन माई अकाउंट आर माई प्रोफाइल और माई पेज। दिस इशू Yes, इज़ I फेसिंग totally माई understand. As I फ्रेंड can नेम्ड check. शिक्षा AV, दैट इज़ हर पेज नेम। सो इज इज Yeah, शी I एबल totally टू understand. कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑन हर बिहाफ? यस Okay, do not worry about that. If you want the person which has the admin role, because I can see from my end that you do not have the admin role on Yes, that, exactly. I but don't have still any role. I went beyond that to help you out. So if you want, you can tell that person who has an admin role to initiate a new chat. It's very easy to initiate a new chat as well, like you did. And once the person with She an admin tried to role will contact initiate you. the chat, we will just. She tried to contact you as I do, Sorry? but she has no chat support on her account, our profile, our page, our ad account. Okay. She tried before. She tried before to contact you by chat or email, but she didn't get any link to contact you. Even she tried same the process as I can. Okay, can I put your call in a hold so that I can check that what is the issue that your friend is not Yes, able to yes. initiate a chat? Actually, I shared you an ad account ID. That is the ID, ad account ID. Associated with that page and profile. Do not worry, I'm just putting a call on a hold so that I can check with my team Okay. for 2 to 3 to 5 minutes. Can I put Okay. your call on a Sure, sure, hold? sure. I'll wait. Thank you. तो अभी आप देख सकते हैं फेसबुक के कस्टमर केयर से मेरी भी बातें हो रही हैं और यहाँ पर 10 बाउन मतलब 10 मिनट 52 सेकेंड 11 मिनट हो चुके हैं बात करते हुए, और अभी फिर से इन्होंने मेरे कॉल को होल्ड पे कर रख दिया है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप लोगों ने इश्यू समझ लिया है, अब तक मैंने अपने वीडियो में बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है पेज में। दूसरा ये है कि जिस पेज पे प्रॉब्लम है उस अकाउंट में या उस पेज से फेसबुक को कांटेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो कैसे कांटेक्ट करेंगे ये अभी बताने के लिए मैंने इनसे पूछा है कि जिस अकाउंट पे अभी प्रॉब्लम आ रही है, जिस फेसबुक पेज पे, जिस प्रोफाइल पे प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रोफाइल से फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट को चैट करने का या कॉन्टैक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है अभी वो बताएंगी। तो हो सकता है कि इस कॉल के बाद जो ये दूसरा पेज है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, उनके पेज पर या उनके प्रोफाइल पर चैट सपोर्ट मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये अपने इंटरनल टीम से बात कर रही हैं, उसके बाद मुझे और अपडेट देंगी कि आगे क्या होगा। आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेसबुक पर काम करते हैं, फेसबुक पर अगर आपका पेज है, आप फेसबुक पर काम करना चाहते हैं, अगर आपका पेज हैक हो गया है, आपके पेज पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, चाहे पॉलिसी इशू है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, चाहे वायलेशन किसी भी प्रकार का लगा है, मतलब कोई भी इशू है, तो आपको कहीं ना कहीं फेसबुक के कस्टमर केयर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करना ही पड़ता है। तो कैसे कॉन्टैक्ट करना है यही इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिलेगा। वैसे वीडियो हो सकता है 15 से 20 मिनट का भी हो जाए, मुझे पता नहीं अभी कितना लंबा कॉल चलेगा, कभी कभी आधे आधे घंटे तक कॉल चल जाती है। तो बीच बीच में बाकी मैं मेन मेन चीज़ें जो हैं वही मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी फालतू की चीज़ों को मैं ट्रिम कर दूंगा।
तो जब तक इन्होंने मेरे कॉल को होल्ड पर रखा हुआ है, मैंने अपने कैमरे वगैरह को अच्छे से थोड़ा सेट कर लिया है, हाथ में पकड़ के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, और ये छोटे वाले ट्राईपॉड में कर रहा था तो इसमें हो नहीं रहा था, तो मैंने अपने अच्छे से इसको सेटअप कर लिया है। अब वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड करने में मुझे भी आसानी होगी और मोबाइल फ़ोन पकड़ने में भी आसानी होगी। तो अभी इन्होंने मेरे कॉल को होल्ड पर ही रखा हुआ है, आगे जैसे ही मेरे कॉल को अनहोल्ड करके मुझसे बात करती हैं ये मैडम, फिर आगे देखते हैं क्या बताती हैं।